पर बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर हमला, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद से चल रही है कांग्रेस की सरकार, ये कहते हुए विज और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अच्छे काम करते हैं और कांग्रेस विरोध करती है। तो यहां पर प्रहार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज नजर आए और सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इशारे पर कांग्रेस पार्टी काम करती है और जो भी हम अच्छे काम करते हैं कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करने का काम करती है। और कैब के लगातार कांग्रेस द्वारा विरोध पर गृहमंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा अच्छे काम का विरोध करती है। विज ने कहा कि कांग्रेस आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इशारे पर चल रही है। आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और कांग्रेस आजकल चलती है इस्लामाबाद से। जो इमरान खान कहता है वो कांग्रेस कहती है और वही कांग्रेस करती है। और कांग्रेस नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में शांति हो। कांग्रेस के हेडक्वार्टर से आजकल नेताओं को पेट्रोल की बोतलें दी जाती हैं कि जहां हिंदुस्तान में जाएं वहां तेल डालकर आग लगाते हैं और ये कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। वही गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। नहीं, अब इतने सारे तो सिख जो शरणार्थी बन के पाकिस्तान से अफगानिस्तान से आए हुए हैं और पंजाब के कम ठीक है, इनकी हाई कमांडर ने इनको कहा होगा, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री को तो ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। और वो तो हर मुद्दे पे नेशनलिस्टिक व्यू लेते हैं और ये कहना कि जो शरणार्थी बन के पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से आए हैं और वो यहाँ पर रुलते रहे और उनको सिटीजनशिप ना दी जाए, उनको कोई अधिकार ना मिले, ये वाज्य बात नहीं।